साइंस, बीएड सेकंड ईयर के स्पेशल पेपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग के अंतर्गत अब तक हमने निर्देशक का परिभाषा, उसकी प्रकृति, उसकी शेप, उसकी आवश्यकताओं की चर्चा की। क्योंकि निर्देशन किशोरावस्था के बालकों के लिए बहुत अनिवार्य है, क्योंकि सर्वाधिक निर्देशन की आवश्यकता किशोरावस्था के बालकों की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत अधिक आवश्यकता होगी। समय था जब पारिवारिक रूप से निर्देशन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाया करती थी, लेकिन अब परिवारों का विघटन हुआ, संयुक्त परिवार से एकल परिवार हुआ, एकल परिवार से ही अब के स्थिति के परिवार में कि माता और पिता दोनों ही कार्यरत होते हैं, किसी न किसी कार्य में व्यस्त होते हैं, यानी कि नौकरी पेशा होते हैं, तो ऐसे में बालक की बहुत सारी छोटी छोटी आवश्यकताएँ होती हैं, उनके लिए उसे निर्देशन की आवश्यकता होती है। हमने अब तक उसकी क्षेत्र प्रकृति और आवश्यकताओं का परिवार को देखे। आज हम देखने वाले हैं निर्देशन के प्रकार। निर्देशन के प्रकार, क्योंकि हमने देखा कि निर्देशन की आवश्यकता क्यों होती है, चाहे व्यक्तिगत दृष्टिकोण से देखा जाए, व्यावसायिक दृष्टिकोण से देखा जाए, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए, विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं बालक की, जिस दृष्टिकोण से उसको निर्देशन प्रदान किया जाना चाहिए। तो आज हम यहाँ पर निर्देशन के प्रकारों में सबसे पहला हम प्रकार देखने वाले हैं कि निर्देशन की किस प्रकार का मतलब निर्देशन का प्रकार क्या होता है, या उसका वर्गीकरण जिसको हम कह सकते हैं, प्रकार या फिर इसे वर्गीकरण भी हम कह सकते हैं। वर्गीकरण भी हम कह सकते हैं, तो सबसे पहला आता है व्यावसायिक निर्देशन। व्यावसायिक यानी कि किसी व्यवसाय से संबंधित व्यावसायिक सूचना। व्यावसायिक निर्देशन के अंतर्गत क्या आता है, व्यावसायिक सूचना। व्यावसायिक सूचना यानी कि बालक को, क्योंकि बालक अपने भविष्य के निर्माण के लिए उसे किसी न किसी व्यवसाय का चयन करना अनिवार्य होता है, चयन करना होता है, तो ऐसे में किस सही व्यवसाय का चुनाव हो, ऐसा नहीं कि बालक की रुचि और क्षमताओं में, कई बार ऐसा होता है कि उसकी रुचि और क्षमताओं में कुछ भिन्नता पाई जाए, बालक की क्षमता नहीं होती, यानी कि बालक में योग्यता तो नहीं होती लेकिन उसकी रुचि होती, तो वो अपनी रुचि के अकॉर्डिंग जिसकी योग्यता नहीं है वह उसको भी वो अपना व्यवसाय के रूप में चुन लेता है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है, या व्यवसाय से नहीं, हम विषय चयन से संबंधित इस उदाहरण को हम देखते हैं कि बालक को संगीत सुनने का, यानी कि गाने का, संगीत में रुचि है, वो गाने सुनना पसंद करता है, गाने संगीत में रुचि है इसलिए वो गाने सुनना पसंद करता है। वो एक तरह से ये देखा जाए कि हर पल उसे ऐसा ये प्रयास रहता है या उसकी रुचि है कि मैं गाने सुनूं, गाने सुनने सुनना उसकी हॉबी होती है, गानों को तो जो गाना सामने गीत सुन रहा है उसके साथ गुनगुनाना उसकी हॉबी होती है, उसकी रुचि होती है, लेकिन
योग्यता व क्षमता को पहचानना, क्योंकि इनको पहचाने बिना किसी भी विषय का चुनाव नहीं कर सकता है। इसीलिए अपने विचारों का क्षमता को पहचानना और उसके आधार पर कौन सा व्यवसाय उसकी अपनी परिस्थितियों, उसकी रुचियों, उसकी क्षमताओं के अनुकूल है, जिसका चुनाव उसे करना चाहिए। इस दृष्टिकोण से व्यावसायिक निर्देशन की आवश्यकता होगी। दूसरी बात, कोई व्यवसाय व्यक्ति बालक अपने व्यवसाय को और आगे उन्नत और विकसित करना चाहता है, उन्नत या विकसित, यानी कि और अधिक विकसित करना चाहता है, जिस स्तर पर है उससे और अधिक ऊपर लेकर जाना चाहता है, तो उसके लिए भी उसे व्यावसायिक निर्देशन की आवश्यकता होती है कि अपने स्वीकार नहीं करना चाहता है। क्यों? क्योंकि बालक को
उस अगर उसमें इस तरह के गुण नहीं है तो उसके चरित्र को निश्चित ही उसके चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लगता है और उसके चारित्रिक गुणों की आलोचना होती है। इस तरह से बालक को उसके चारित्रिक गुणों का विकास किस तरह से करना चाहिए, चारित्रिक गुण होते कैसे और कौन कौन से होते हैं, उनका पालन उनका उन गुणों का विकास बालक को किस तरह से उन्हें करना चाहिए उससे संबंधित निर्देशन की आवश्यकता होती है और ये निर्देशन प्रदान किया जाए। अगली बात आती है यहाँ पर स्वास्थ्य और शारीरिक समस्या। स्वास्थ्य एवं शारीरिक समस्या यानी कि स्वास्थ्य एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इसी दृष्टि से कि एक व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के प्रति किस प्रकार से ध्यान रखना चाहिए, शारीरिक विकास के लिए क्या प्रयास करने चाहिए, किस तरह से अभ्यास करने चाहिए, इन चीजों से संबंधित उन्हें निर्देशन प्रदान किए जाते हैं। यानी कि स्वास्थ्य और शारीरिक निर्देशन के अंतर्गत बालक को उसकी
एहसास